हेलो दोस्तों, मैं लीला गुरु बहन गुरु सब सबको प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम को स्वीकार हो और मैं तहे दिल से आप लोगों को प्रणाम करती हूँ। प्रणाम स्वीकार कीजिएगा दोस्तों, दीदी भाई भाई बहन। मैं सबको आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि आप लोग जो अपना अपना नाम भेजे थे कमेंट बॉक्स में लिख करके, तो मैं नाम का घोषणा कर दी हूँ। और आप लोगों से यही विनती रही मेरी कि आप लोग शिव को गुरु बना चुके हैं, शिव से जुड़ चुके हैं, तो मन से भाव से अपना गुरु को अब अपना समझे। और गुरु से जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, जो भी आपकी कष्ट हो, आप उनसे कहे गुरु से। और जो भी आपका कुछ अच्छा हो रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है, तो फिर इस तरह से आप हमें भी बताएं, ताकि मैं भी बहुत ही जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आपका क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ, इस तरह का मुझे भी जानना है। तो मैं सबका नाम का जिन्हों जो भी नाम भेजते हैं आप लोग, मैं सबका नाम का घोषणा कर देती हूँ। मैं डेली ही चर्चा में जाती हूँ, डेली ही कहीं ना कहीं चर्चा होती रहती है, मुझे जाना ही पड़ता है, वहाँ से कॉल आती है और मुझे जाना पड़ता है, और मैं जाती हूँ तो आप लोग का नाम का घोषणा कर देती हूँ। तो आप लोग तीन सूत्र का पालन कीजिएगा। तीन सूत्र का पालन में मैं आप लोग को बता दी हूँ कि दया मांगना है हमें गुरुदेव से पल प्रतिपल, और चर्चा करना है, चर्चा में जाना है, सबको बताना है शिव गुरु के बारे में कि शिव हमारे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग घोषणा करें, इस तरह का भाव रखें। अगर कोई गुरु भाई बहन मिलती है तो आप उनसे प्रणाम करें। प्रणाम करें तो ये मत सोचे घर में मन में कि ये कहाँ से आई है, क्या है, कौन कास्ट की है। आप यही समझें कि वो मेरी गुरु बहन है और मैं अपने गुरु को प्रणाम करती हूँ। इस तरह का भाव, इस तरह का प्रेम रख के हम उन्हें प्रणाम करें। और गुरु तो बहुत दयालु है, वो तो पल पल दया करते हैं। दया हमें लेना नहीं आता है, आप लोगों को बस जो भी आपकी तकलीफ है, जो भी आपकी कष्ट है, अपने गुरु को बताएं, गुरु से दया मांगे। और हाँ, नमः शिवाय का जो जाप हमने आपको दिए हैं, नमः शिवाय 108 बार नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना है, तो मन ही मन नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करें। और इस तीन सूत्र को मन से पालन करें। जो भी आप लोगों की सुविधा असुविधा है, वो सब गुरुदेव पूरा करेंगे, पक्का भरोसा है। और अपने गुरु पे आपको बहुत बहुत भरोसा रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप गुरु बना लिए हैं तो आज बना लिए हैं तो कल ही आपको कुछ चाहते तो मिल जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप दया गुरु से मांगिए, आपको मन जो भी मन में है वो आपको मिल जाएगी, लेकिन भरोसा पक्का होना चाहिए, दया मांगने में भाव होनी चाहिए। तो अभी कुछ दिन की मैं बात आप लोग को बताने जा रही हूँ। मैं ऐसे ही गुरु चर्चा बोल रही थी अपने गार्डन में ही बैठ के, आप लोगों के लिए मैं गुरु चर्चा बोल रही थी वहाँ पे बैठ के। तो मेरी एक फ्रेंड आई, जो भी शिष्या बनी हुई है पर अपना अपना भाव मालूम नहीं, तो मुझे फ़ोन की कि दीदी मैं नीचे में आई हूँ, एक अनुभूति उनका बता रही हूँ मैं कि गुरु कहते हैं मेरे साहब भैया कि प्लग झपकते महादेव दया करते हैं। और मैं इस चीज़ को मानती हूँ, प्लग झपकते सही में महादेव दया करते हैं, पर दया हमें मांगनी आनी चाहिए, दया हमें लेने आनी चाहिए कि किस तरह का दया हमें गुरु करते हैं और किस तरह का दया हमें चाहिए। तो वो गुरु बहन आई, आकर के मुझसे मिलना चाहती थी। तो मेरे को ऐसे ही गुरु चर्चा मतलब आप लोगों के लिए मतलब वहाँ पे करना था, तो मैं वो बैठी थी वहाँ पे, तो मैं उनको बोली कि आप यहाँ पे थोड़ा देर बैठिए, मैं थोड़ा सा कुछ चर्चा कर लूँ, करने के बाद फिर मैं आपसे बात करती हूँ। तो वो मेरे पास में जाके बैठ गई, बगल में ही बैठी हुई है, जो मैं आप लोगों को नहीं दिखाई हूँ। तो उन्होंने मुझसे बहुत ही मतलब मन ही मन अपना बहुत चिंतित थी, और मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं उनसे पूछूं कि आपका क्या तकलीफ है, क्या चिंता है, मैं उनसे नहीं मतलब बोल पा रही हूँ उनको। मैं सोची कि मैं इधर का वीडियो अपना कर लूँ, फिर जो है सो मैं उनसे बात करूँगी। तो मेरे पास में बैठी थी, बहुत ही दुखी थी, बहुत ही तकलीफ में थी, और जब भी उसे कोई तकलीफ होती है, जब भी उसे कोई प्रॉब्लम होती है, तो मेरे पास आती है और मुझे अपना जो है कष्ट बता देती है। अब पता नहीं, गुरु का कृपा है, गुरु का दया है, वो मुझे बोलती है, उनका जो भी तकलीफ है वो गुरुदेव दूर कर देते हैं, और मैं भी अपने गुरुदेव से कहती हूँ। तो आई, मेरे बगल में बैठी थी बैठ करके, और बहुत ही चिंता में थी, और मैं गुरु का ऐसे ही चर्चा बोल रही हूँ। तो मैं ऐसे ही तीन सूत्र पे मैं आप लोगों को लिए ही मतलब शूट आउट कर रही थी, तीन सूत्र के बारे में
बोल रही थी कि गुरु से दया मांगिए तो पलक झपकते गुरु दया करते हैं। तो पलक झपकते जो दया करते हैं वो किस तरह का दया होगा कि हम पलक झपके और इधर दया मिल गया, वो किस तरह का दया होगा, इस तरह का हम चर्चा में बोल रहे थे। तो वो ये जो मैं बोल रही थी कि पलक झपकते महादेव दया करते हैं, हमारे साहेब श्री कहते हैं कि हम पलक झपकते हैं और महादेव दया करते हैं, हमें तो दया इस तरह का मांगनी आनी चाहिए, इस तरह का भाव हमें आनी चाहिए जो हम मांगे और महादेव हम पे दया करे, उसके लिए हमें परिश्रम भी करना पड़ता है दोस्तों। तो वो मन ही मन अपने गुरु से मतलब बोली होगी जो भी उसका तकलीफ है, वो बोली बाद में मेरे को कि दीदी मैं इस तरह से आप जब बोल रहे थे तो मैं मन ही मन बहुत ही गुरु को याद कर रही थी, और आप जब बोले कि गुरु पलक झपकते दया करते हैं तो मैं भी मन में ऐसे ही सोची भाव लाई कि गुरु अभी मैं जो मुसीबत जो मुझ पे है इतना बड़ा आया हुआ, तो काश अगर पलक झपकते दया होती है तो मुझ पे दया कीजिए, मुझ पे कृपा कीजिएगा ताकि मेरा ये कष्ट है जो मेरे तकलीफ है जिस तकलीफ में मैं और मेरा परिवार पड़ा हूँ, तो ये इससे मुझे निवारण मिले। तो वो जब चर्चा जब मैं खत्म उतम करके जब मैं आई तो मुझसे कहने लगी कि दीदी ऐसा ऐसा मेरी परेशानी है और आप जो है से थोड़ा मतलब देखिए। तो मैं क्या बोलूँ, मैं एक दो जगह पे फोन लगाकर और जो भी उनकी कष्ट थी जो भी उनकी तकलीफ थी मतलब मेरे माध्यम से उनका पूरा हो गया। तो वो रोने लगी और रो करके एक मेरे को एक नज़र देखी जा रही है, देख करके मेरे को बोल रही है कि दीदी मैं क्या बताऊँ आपको, अभी तो मेरे आप जब बोले कि गुरु पलक झपकते दया करते हैं तो मैं मन ही मन गुरु से दया मांग रही थी कि गुरु पलक झपकते अगर आप दया करते हैं तो मुझ पे दया कीजिए, अभी मैं बहुत बड़ा मुसीबत में बहुत कष्ट में हूँ, इस कष्ट से मुझे जो है सो निवारण करिए ताकि मेरे को जो है सो मतलब। तो मैं क्या बोलूं, अभी मैं आपको बताई हूं आप फोन किए हैं, फोन करने के बाद देखिए मेरा कष्ट जो है सो दूर हो गया है, जो भी उनका प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया मेरे माध्यम से। तो वो मेरे को एकटक देख रही है, दिखे जा रही है और उनके आंखों में आंसू आ गया, देख रही है मेरे को कि दीदी मैं आपको क्या बोलूं, अभी तो मेरे सामने में यही लग रहा है कि आप ही मेरे गुरु हो, मतलब साक्षात मैं गुरु के रूप में ही मैं आपको देख रही हूँ यहाँ पे, मुझे तो यही लगता है कि गुरु आपके माध्यम से ही मतलब गुरु अभी मेरे पास में है जो कि मैं दया मांगी हूँ और मुझे अभी के अभी तुरंत के तुरंत दया मिली है महादेव से, तो आप मेरे गुरु हैं। मतलब मैं बोली नहीं नहीं बाबू ऐसी कोई बात नहीं है, महादेव तो एक माध्यम बनाते हैं हमको आपको किसी को माध्यम बनाते हैं, वो तो स्वयं नहीं आते हैं, किसी को भी भेज देते हैं कि जाओ इसका ये प्रॉब्लम है तुम ये कष्ट है तुम इसको दूर कर दो और हमारी कष्ट जो है सो दूर हो जाती है। तो महादेव माध्यम करते हैं और माध्यम बनाकर आपका जो है काम जो है भी तकलीफ में आप रहते हैं जो भी आपकी कष्ट होती है वो महादेव दूर कर देते हैं। तो बस हमें भरोसा होना चाहिए महादेव पे और आप लोग भी उसी तरह का भरोसा रखिए, उसी तरह का विश्वास रखिए महादेव पे, वो तो बहुत दयालु है, वो दया के सागर है, पल प्रति पल दया करते हैं और हमें आपको समझना होगा कि हम दया किस तरह से मांगे, हमें किस तरह से मांगेंगे किसी से कोई चीज़ तो हमें मिल जाएगी, वो भाव होनी चाहिए हमें, जब हमें वो भाव आएगी जब हम महादेव से मांगेंगे तो वो चीज़ जो है सो पक्का हमें मिलेंगे और हमें भी भरोसा है आप लोग को भी भरोसा होना चाहिए। तो इतनी बड़ी दया गुरुदेव हमारे किए उन पे जो ही मैं अनुभूति मेरा आंखों देखा हुआ है और अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं वो गुरु बहन से भी आप लोग को मिलवा दूंगी, तो उनसे मिलवा के आप लोग को मैं स्वयं उनसे भी बुलवा दूंगी ये दया। तो देखिए गुरु कितने दयालु हैं, कितने दया करते हैं, पल में उनका देखिए कितना वो टेंशन में थी, मतलब इतना टेंशन में थी कि मैं तो चर्चा के लिए शूट आउट कर रही थी तो मेरे को इतना समय नहीं कि मैं उनसे पूछूं कि बेटा तुम्हारा क्या मतलब तकलीफ है क्या कष्ट में हो, लेकिन फिर भी मैं जहाँ चर्चा कर रही थी मैं इशारा से बोली कि तुम यहाँ आकर बैठो, वो मेरे पास में बैठी और फिर मन ही मन जो मैं बोल रही हूँ आप लोगों को कि दया मांगिए गुरु तो बहुत दयालु है हमें तो दया मांगनी नहीं आती है, तो वो मन ही मन सोची कि पलक झपकते अगर गुरु जी आप दया करते हैं तो हम पे दया कीजिए अभी मैं बहुत मुसीबत में हूँ। और देखिए वो मुझको बोली और मैं थोड़ा एक दो जगह पे कॉल लगाई, कॉल लगा कर जो भी बात है उनका सुनी
सुनकर उनका जो कष्ट है दूर हो गया, तो उनको तो यही लगा कि मेरे लिए तो साक्षात। देखिए, हम जब कोई कष्ट में आते हैं, जब हम कोई तकलीफ में आते हैं, किसी के पास हम खड़ा होते हैं कि हमारी ये कष्ट है, और वो हमारा कष्ट को सुन के मतलब उस चीज को उधार कर देते हैं, तो तब तत्काल के लिए तो वही हमारे भगवान है, हम उनको अपना भगवान मानते हैं कि आप ही मेरे भगवान। भगवान तो खुद नहीं आते हैं, इंसान को ही किसी को माध्यम बना के भेजते हैं। तो इसी तरह का उनको दया मिली है, तो इसी तरह का दया मांगिए, इस तरह का भाव गुरु पे रहना चाहिए, भरोसा रहना चाहिए हमारे महादेव पे। हमारे महादेव बहुत दयालु है और पल पल दया करते हैं। आप लोग भी इस तरह का दया मांगिए गुरुदेव से। देखिए, कहते हैं उनके दरबार में देर है पर अंधेर नहीं है। तो बस अगर कहीं कुछ लेट होता है तो समझिए मुझ में ही कुछ कमी है, जिसके वजह से हमें दया नहीं आ रही है। तो उस कमी को आप लोग बताएं हमें, तो हम जरूर कोशिश करेंगे। और कुछ भी गुरु से रिलेटिव आप लोग को कुछ भी पूछना हो, कुछ भी आप लोग को तकलीफ हो, कुछ भी, हम उसका उत्तर देंगे। आप हमें लिख कर भेजें, हम जरूर से जरूर आप लोग को बताएंगे। तो हम आशा करते हैं ये अनुभूति आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप लोग भी अपना अनुभूति जो मिलते हैं आप लोग को महादेव के माध्यम से अगर मिली हो तो आप लोगों भी हमें बताएं, ताकि मैं भी किसी को बताऊं और मैं अपना अनुभूति आप तक पहुंचाती रहूं, इस तरह का दया अर्चना का रहे। तो मैं प्रणाम करती हूं आप लोगों को, गुरु समेत मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए।